जबलपुर लोकायुक्त ने एक पटवारी को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घूसखोर पटवारी ने फरियादी से जमीन की पावती बनवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कार्रवाई के बाद भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी घूस लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला छिंदवाड़ा जिले से सामने आया है, जहां लोकायुक्त ने तहसील परिसर में 7,000 रुपये रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। घूसखोर पटवारी ने फरियादी गुलफाम अंसारी से जमीन की पावती बनवाने के एवज में 10,000 की डिमांड की थी। पीड़ित ने जबलपुर लोकायुक्त में लिखित शिकायत की। लोकायुक्त ने मामले की जांच करते हुए आज परासिया तहसील परिसर में पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। उसकी पावती बनवाने के लिए कमल लगातार पटवारी साहब के पास 3 महीने से चक्कर लगा रहा था। आज नाना काम कर हो जाएगा, उनमें से पैसे की मांग कर रहे थे, तो आज उनको मैंने 7,000 को दिया और उनको लोकायुक्त की जबरदस्ती ने पकड़ लिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।